उत्तराखंड के चंपावत जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल 12 जवानों को लेकर जा रही आईटीबीपी की बस हादसे का शिकार हो खाई में गिर गई। राहत बचाव कार्य जारी है, प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। बता दें कि घटना गुरुवार सुबह टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे पर हुई है, जहां आईटीबीपी की बस हादसे का शिकार हो गई। आईटीबीपी की 14वीं वाहिनी की बस 12 जवानों को लेकर पिथौरागढ़ के जाजर देवल जा रही थी, तभी बस खाई में लुढ़क गई। गनीमत यह रही कि बस लुढ़कते वक्त पेड़ अटक गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मिली जानकारी के अनुसार सभी जवान सुरक्षित हैं। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। जख्मी जवानों का सिनियारी से 5 किलोमीटर दूर चलती के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। सभी जवान खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। शिवालिक जनरल घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।